हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ दलिया की एक मीठी और नमकीन रेसिपी शेयर करूंगी। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी है और इस दलिया को आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी इंजॉय कर सकते हैं और ये बनाने में बहुत ही इजी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये मीठा और नमकीन दलिया। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी दलिया लिया है, जिसको कि एक कुकर में हमने उसको मीडियम फ्लेम में कंटिन्यूसली चलाते हुए भून लेना है। हमको इसको तब तक के लिए भूनना है जब तक इसका कलर हल्का गुलाबी, लाइट पिंक कलर का ना हो जाए, तब तक के इसको मीडियम फ्लेम में कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको भून लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से इसका कलर हो जाना चाहिए। अब हमने जिस कुकर में इसको भुना था, उसी कुकर में हम जितना हमारा दलिया है उसका जस्ट डबल हमको इसमें पानी डाल करके, जिस तरह से आप चावल उबालते हैं उस तरह से हमको ये दलिया भी उबाल देना है। तो ये देखिए मेरा ये दलिया पक चुका है। अब हम इसमें मीठा और नमकीन हमने इसी दलिया से बनाना है, इसी उबले हुए दलिया से। तो मैं 1 कटोरी मीठे के लिए निकाल दूँगी और बाकी बचावा दलिया का मैं नमकीन दलिया बनाऊंगी। तो मैं 4 कटोरी दलिया बना रही हूँ मीठा, तो उसके लिए 1 कटोरी मैंने उबला हुआ दलिया लिया है और 3 कटोरी मैंने यहाँ पर दूध एक बर्तन में डाल दिया है गर्म होने के लिए। अब 4 कटोरी में मैं 1 टीस्पून चीनी डाल रही हूँ। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसको, जब हमारा ये हल्का सा इसमें उबाल शुरुआत हो जाएगी, तब हम इसमें जो हमने उबला हुआ 1 कटोरी दलिया अलग रखा है वो इसमें हम मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से इसमें मिला देंगे। आप यदि चाहें तो यहाँ पर कुटी हुई इलायची मिला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मिला रही, मुझे ऐसे ही फ्लेवर अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पर मिला सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें कोई फ्लेवर आपको मिलाना है इलायची का तो आप मिला सकते हैं। अब ये देखिए मैंने ये इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। अब आप इसको मीडियम फ्लेम में उबाल आने तक इसको पकाइए। ये देखिए मेरा उबाल इसमें आना शुरू हो गया है। बस हमको इतना ही इसको उबालना है, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा रखने के बाद थोड़ा गाढ़ा भी हो जाता है ठंडा होने पर। तो अब हम इसको एक साइड रख देंगे ढक करके। अब हम नमकीन दलिया बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें कुकिंग ऑयल लिया है। आप जितना दलिया है उसके अकॉर्डिंग कुकिंग ऑयल ले लीजिए। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। उसमें 1 बड़ा प्याज इस तरह से मैंने चॉप करके डाल दिया है। वो हल्का सा फ्राई होने के बाद मैंने ये मटर डाले हैं, ये वेरी फ्रोजन मटर है, तो इसको ज़्यादा ये सॉफ्ट ही होती है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैंने यहाँ पर 1 आलू लिया है जिसको इस तरह से बारीक चॉप किया हुआ, तो इसको भी हम 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे जिससे कि हमारा थोड़ा आलू सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी गाजर है तो हम वो गाजर भी इसमें मिक्स कर देंगे। आपके घर में जो सब्जी अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं, और यदि आपके पास नहीं है तो आलू, प्याज, टमाटर में भी ये दलिया, नमकीन दलिया बहुत ही टेस्टी बन जाता है। तो अब हम इन सब्जी में हल्के से फ्राई हो चुकी है। अब हमने जो दलिया बचा हुआ हमारा उबला दलिया था वो सब हम इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून ही इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स कर दिया है। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि हमारा मसाला अच्छे से दलिया में मिक्स हो जाए। अब इसको 1-2 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा पका लूँगी जिससे कि हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस ये 1-2 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब इसको आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये हमारी, ये देखिए ये गर्मा गर्म खाने में ही मज़ा आता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको कभी भी लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।